क्या आप लोगों को भी चाहिए ब्यूटीफुल स्किन हर किसी को चाहिए होती है है ना तो कुछ नेचुरल रेमेडी है जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो पे जिसको आप ट्राई करते हैं देखें समर्स इज द बेस्ट टाइम टू ट्राई ये वाली थिंक ठीक है अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे एक शाइन ऐड होगी देखिए कलर चेंज नहीं होगा जो हमारा कलर होता है बाय बर्थ हमें मिला है ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट किया है वो वही रहेगा उसको एक्सेप्ट करें दिल से ठीक है चाहे वो ब्लैक है चाहे वो डस्की है चाहे वो वाइट है जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा ठीक है हाँ आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो उसमें शाइन ऐड कर सकते हो ठीक है और बिल्कुल यू नो हेल्दी स्किन बना सकते हो और हेल्दी स्किन skin... गोरी स्किन से कहीं बेटर दिखती है ठीक है आपके सामने एक बंदा है जिसकी डस्की स्किन है बंदी है जिसकी डस्की स्किन है या डार्क स्किन है और दूसरी साइड एक बंदी है जिसकी बड़ी फेयर स्किन स्किन है है पर उसके चीक्स फटे हुए हैं कोई पे या 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 निशान ठीक है थीके? और जो आपको दिख रही दूसरी बंदी उसकी स्किन एकदम से क्लीन क्लियर ग्लोई तो डेफिनेटली हर कोई उसको पूछेगा भाई क्या किया तूने तो मुंह को उसको नहीं पूछेंगे कि तूने क्या किया तो ठीक है ये चीज दिल से निकाल दें कि हम किस तरह की कोई चीज लगाते हैं तो हम गोरे हो जाएंगे गोरे नहीं होंगे हाँ माउंटेन वाटर जो होता है ना वो आपके कलर को टू टोन तक कोरा बनाता है। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है क्योंकि जब भी मैं ऑल दो जम्मू भी पहाड़ी है यहाँ पर भी लेकिन जब भी मैं कहीं और जाती हूँ जैसे कहीं हिल स्टेशन पे जाती हूँ तो वहां पर जब भी मैं माउंटेन वाटर से मेरी कोशिश होती है बाल भी धो लू मुंह भी धो लू ठीक है क्योंकि बड़ा अच्छा होता है बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी तो उस टाइम पे अगर आप माउंटेन वाटर यूज करते हैं तो उससे मैंने नोट किया है कि मेरी टैनिंग हट जाती है मतलब करता क्या है वो टैनिंग हटा देता है ठीक है और छोटे मोटे से जो स्पॉट्स होते हैं वो हटा देता है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगी आज टिप एक ऐसा जो आपको डेली यूज करना है तो आपकी स्किन जो है अच्छी हेल्दी ग्लोई हो जाएगी पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरी वीडियो को लाइक ठीक है सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है टोटली फ्री है इसके कोई पैसे नहीं है ठीक है आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल का होगा सबसे ऊपर उसको क्लिक कर दें ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको इमीजिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स आपको मैं तीन चीजें बताऊंगी जो आपको मिक्स करनी है और ये डेली लगानी है और ये डेली भी कोई हार्म नहीं करती अगर आप डेली लगाओ इस मौसम में गर्मियां मानसून में आप लगा सकते हो सर्दियों में ना इसको डेली यूज करें क्योंकि ये स्किन ड्राई बेसन जो है वो स्किन ड्राई करता है ठीक है तो मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है सबसे पहले आपको लेना है बेसन एक चम्मच आप बेसन ले लें ले अगर आप फेस पे लगा रहे हैं अगर आपको बॉडी पे भी यूज करना है तो बॉडी भी यूज कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है इसका तो एक चम्मच आपको लेना है बेसन बेसन वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये डेड स्किन निकालता है ये कलर ब्राइट करता है ग्लो ऐड करता है ये शाइन देख रहे हो कोई हाईलाइटर नहीं है बस कुछ नहीं है कुछ नहीं है देखो देखो कुछ नहीं है ठीक ठीक है 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 कुछ नहीं है, देख रहे हो शाइन ये सब नेचुरल रेमेडीज के कमाल है कोई केमिकल्स के कमाल नहीं है ठीक तो, है तो मेकअप सिर्फ यहाँ है आईलाइनर है बस लिपस्टिक है बस कुछ नहीं नो ब्लशर ब्लशर भी यूज नहीं किया मैंने ठीक है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है बेसन लेना है एक चम्मच ठीक है उसमें आपको डालना है दही ठीक है दही को आप मिक्स करें दही ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है और अगर दूध ना डालें ऑयली स्किन के लिए दही यूज करें दही ड्राई स्किन ऑयली तो तो स्किन दोनों में डाल भी दें दही डाला आपने और तीसरी चीज आप उसमें डालेंगे हनी शहद ठीक है ये तीनों चीजें आप लें और उसके बाद इसको मिक्स करें अपने फेस पे लगा दें सेमी ड्राई होने दें जब आधा आधा सूख जाए ये ठीक है फिफ्टी सूख गया तो अब आपको इसको क्या करना है रगड़ना है जब आप इसको रगड़ेंगे तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन किसी भी जगह को जब हम रगड़ते हैं ना वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है देखो ठीक है ब्लड सर्कुलेशन क्रीज होती है आपको इसको रगड़ना है डेड स्किन निकलेगी ठीक है और फेस पे ग्लो आएगा ठंडे पानी से धोना है ठीक है उसके बाद आपके फेस पे अपने आप ग्लो सिंगल यूज के बाद ग्लो आएगा ठीक है और ये आप डेली यूज करें जब भी आपके पास टाइम है दिन में जब आप फ्री हो आपको आप पता है कि अब मैंने आराम से बैठना है काम वाम निपटा के या फिर सीधी चीज है लेडीज जो है आप लोग सिंपल उसको लगा दीजिए अपना काम करते रहिए ठीक है किचन का एंड उसके बाद अगर आपका ये ड्राई हो गया समझ लो पूरा तो आप उसको स्प्रे वाली यू नो गुलाब जल स्प्रे करके फिर से आप आधा गीला बना सकते हो ठीक है पर आपको इसको फिफ्टी ड्राई में ही स्क्रब करना है ज्यादा ड्राई में नहीं ठीक है अब देखें ये जो है आपकी स्किन को हेल्दी और शाइनी तो बनाएगा पर एक चीज और करेगा छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं ना जो आप उस पील ऑफ मास्क से उतारते हो है ना ठीक है दिल को बहुत दुख होता है वो पील ऑफ मास्क बड़ी पेनफुल होता है वो भी इससे निकल जाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना थम्सअप जरूर देना ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय वन